हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. आई एम अनिल कुमार सिंह, योर मैथ्स ट्यूटर. और आज हम लोग बात करेंगे नंबर पैटर्न्स की, जो हमने लास्ट क्लासेस में देखा था. यानी यूट्यूब पे एक वीडियो पोस्ट किया गया था, इसके अकॉर्डिंग पार्ट वन. अब हम आज बात करें पार्ट टू की, जिसमें हम आपको एक्सरसाइज 39 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टडी द पैटर्न्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड फिल इन द मिसिंग नंबर्स. यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है, जैसे बुक में आप क्वेश्चन देख सकते हैं, कि यहाँ क्वेश्चन नंबर वन दिया गया है कि एक नंबर दिया गया है सीरीज में, और वहाँ बताया गया कि उसके बाद के दो प्लेसेस पे क्या होगा. यहाँ देखिए, अगर हम जीरो में 3 को प्लस कर देते हैं तो ये आएगा 3, 3 प्लस, फिर 3 में 3 प्लस करेंगे तो आएगा 6, फिर 6 में 3 प्लस करेंगे आएगा 9, फिर 9 में 3 प्लस करेंगे आएगा 12. तो हम यहाँ ये देखने को मिल रहा है कि अगर हम सारे नंबर में 3 3 प्लस करते जा रहे हैं तो हमें नेक्स्ट नंबर प्राप्त हो रहा है, यानी कि हम 12 में वापस से 3 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 15, फिर 15 में 3 ऐड करेंगे ये बन जाएगा 18. तो ये आपका फर्स्ट पजल सॉल्व हो गया. फिर बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की, जिसमें लिया गया है 191, 82, 73, 64. इसके बाद पूछा गया है थ्री प्लेसेस क्या होंगे. तीन तीन प्लेसेस को प्राप्त करने के लिए हम देखेंगे, सबसे पहले इसको ऑब्जर्व करेंगे कि ये किस पैटर्न को फॉलो करता है. यहाँ देखेंगे कि 100 में से अगर हम 9 माइनस करते हैं तो ये हो जाता है 91, फिर 91 में से 9 माइनस करते हैं तो ये होता है 82, 82 में से फिर 9 माइनस करते हैं तो ये होता है 73, फिर 73 में से 9 माइनस करते हैं तो ये होता है 64. यहाँ हमें ये देखने को पता चल रहा है कि अगर सारे नंबर में से हम 9 9 माइनस करते जाएं तो हमें नेक्स्ट नंबर प्राप्त हो जाता है, यानी 64 में से अगर हम 9 माइनस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 55, जो कि नेक्स्ट नंबर, फिर 55 में से 9 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 46, जो कि एक दूसरा नंबर हो गया, फिर 46 में से 9 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 37, जो कि एक और नंबर हो गया. फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कुछ ब्लॉक्स दिए गए हैं और कहा गया है कि इनमें आगे क्या होगा. यहाँ हम देखेंगे अगर इस ब्लॉक को ध्यान से, तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है. यानी कि अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 7 आना चाहिए, 7 का स्क्वायर होता है 49, और यहाँ 8 आना चाहिए तो 8 का स्क्वायर होता है 64. स्क्वायर मतलब 8 × 8 = 64, और 7 × 7 = 49. सेम उसी प्रोसेस पे आप इसको देखेंगे कि किस रूल को फॉलो करता है, उसके हिसाब से आप उसको आगे की तरह बढ़ाएंगे. फिर देखिए, ये स्टडी द पैटर्न इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड फिल इन द मिसिंग नंबर्स. यहाँ आपको इस पैटर्न को स्टडी करना है और उसके हिसाब से मिसिंग नंबर्स जो है उनको फिल करना है. तो जैसे हम यहाँ देखेंगे कि 3 में 1 ऐड करते हैं तो बन जाता है 4, 5 में 3 ऐड करते हैं बन जाता है 8, 5 7 और 5 को ऐड करते हैं तो 12, और 9 और 7 ऐड करते हैं तो 16. सेम वैसे ही 8 और 4 ऐड करेंगे 12, 12 और 8 ऐड करेंगे 20, 16 और 12 ऐड करेंगे 28, फिर 12 और 20 ऐड करेंगे 32, 20 और 28 ऐड करेंगे 48, फिर अब 32 और 48 ऐड करेंगे 80. यानी कि ये हमारे हमने पजल सॉल्व कर दिया. सेम इसी प्रोसेस पे आप इन दोनों को चेक करेंगे खुद से और बनाएंगे. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है कि ये जो बॉक्स था इसको हमें फिल करना था. ये कैसे फिल होगा, तो अगर हम यहाँ देखेंगे कि 10 और 5 को अगर हम प्लस करते हैं, हमने सामने के नंबर को प्लस करते हैं तो एडिशन होता है 15. सेम उसी तरह 9 और 6 को प्लस करते हैं तो भी 15, 7 और 8 को प्लस करते हैं तो भी 15, और यहाँ 4 दिया गया और यहाँ कुछ नहीं दिया गया. अगर हम यहाँ 11 रखेंगे और 11 में 4 ऐड करेंगे तो भी हमें ये 15 बन जाएगा. यानी कि इन सब नंबर्स को, आमने सामने नंबर्स को जोड़ते हैं तो वो 15 बनना चाहिए, इसलिए हम यहाँ 11 प्लेस करेंगे. बात करते हैं 12 नंबर की. 12 नंबर में देखें तो ये 9 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 12, 7 में 3 ऐड करेंगे बन जाएगा 10. इसके बाद से हम 5 में 3 ऐड करेंगे बन जाएगा 8, फिर 4 में 3 ऐड करेंगे तो बनेगा 7, और फिर उसी तरह अगर हम यहाँ 12 प्लेस करेंगे तो 12 में 3 ऐड करेंगे तो बनेगा 15, इसलिए यहाँ होगा 12 और यहाँ होगा 7. इसी प्रोसेस पर आप इसको चेक करेंगे और इसको बनाएंगे. अब देखिए 14 नंबर, डिस्क्राइब टू रिलेशन बिटवीन द नंबर शोन इन द शेप. इस शेप में जो नंबर्स दिए गए हैं उनमें आपको दो रिलेशन बताने हैं. सबसे पहला रिलेशन देखिए, सम ऑफ नंबर्स इन अपोजिट सेक्टर्स इज इक्वल टू 17. यानी कि अपोजिट सेक्टर्स में जो भी नंबर्स दिए गए हैं उनका जो एडिशन होगा वो 17 होगा. कैसे, तो ये देखिए 16 प्लस 1 हो गया आपका 17, फिर 15 प्लस 2 हो गया 17, फिर 14 प्लस 3 हो गया 17, 13 प्लस 4 हो गया 17. सेम इसी प्रोसेस पर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये बन जाएगा 17. दूसरा वाला रूल यहाँ पे क्या रिलेशन बनेगा, तो ये देखिए दूसरा रिलेशन,
तो दूसरा रिलेशन देखते हैं यहाँ पे, डिफरेंस ऑफ नंबर्स इन करिस्पॉन्डिंग सेक्टर्स इन द अपर एंड लोअर हाफ इज इक्वल टू 8। यानी कि यहाँ जो डिफरेंस है अपर और लोअर नंबर्स का, उनका जो एडिशन है वो, सॉरी सब्ट्रैक्शन है, जो हाफ नंबर है, यानी कि 16 माइनस 8। अगर यहाँ देखिए 16 में से हम 8 को घटाएंगे तो बच जाएगा 8, फिर 15 में से 7 को घटाएंगे बनेगा 8, फिर 14 में से 6 को घटाएंगे बनेगा 8। सेम इसी प्रोसेस पे हम 13 में से 5 घटाएंगे बनेगा 8। यानी इसी प्रोसेस पे हम दोनों नंबर्स को, करिस्पॉन्डिंग नंबर्स जो हैं हमने ऊपर नीचे के, उनको अगर घटाते जाएंगे तो 8 8 डिफरेंस आते जाएगा। यानी कि एक जो इसमें आएगा, जो सम ऑफ ऑपोजिट नंबर्स था यानी सेक्टर्स था, वो 17 हो गया, और डिफरेंस ऑफ करिस्पॉन्डिंग सेक्टर्स हो गया अपर एंड लोअर, वो हो गया 8। यानी ये क्वेश्चन में दो रिलेशंस मिल गए हमें। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, स्टडी द नंबर्स इन द टेबल एंड फिल इन द मिसिंग नंबर्स सो दैट द सम ऑफ थ्री ऑफ द नंबर्स इन थ्री डिफरेंट वेज इज द सेम। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें दो नंबर्स मिसिंग किए गए हैं। अगर हम देखें इस नंबर को फॉलो करें कि 4, 11 और 6, अगर इन तीनों का प्लस करते हैं तो बनेगा 21, फिर 4, 9, 8, इन तीनों को भी प्लस करेंगे तो ये बनेगा 21। यहाँ आपको लिखा भी गया है कि सम ऑफ थ्री ऑफ द नंबर्स इन थ्री डिफरेंट वेज इज द सेम। यानी कि तीनों नंबर का जो एडिशन होगा वो बराबर होगा, चाहे इधर से लें, चाहे इधर से लें, चाहे इधर से लें, सब तरफ से वो इक्वल ही होगा। तो यहाँ हमने देखा ये 21 हो गया, ये भी 21 हो गया। अब यहाँ भी हम ऐड करेंगे तो 21 आना चाहिए, इसलिए हम लोग 9 और 7 में, अगर हम लोग 9 में 7 में अगर हम 5 ऐड कर दें तो ये बनेगा 21। तो 9, 7 और 5 रखेंगे तो ये 21 हो जाएगा। सेम इसी प्रोसेस पर अगर 11 और 7 में अगर हम 3 ऐड कर दें तो ये भी बन जाएगा 21। इसलिए यहाँ होगा 3, यहाँ होगा 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, स्टडी द पैटर्न एंड फाइंड द रूल ऑल्सो राइट द नेक्स्ट टू नंबर्स। यहाँ जो ये एक पैटर्न दिया गया है उसको आपको स्टडी करना है और उसको फॉलो कराना है। तो यहाँ देखेंगे हम, ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ हम रखेंगे 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और यहाँ रखेंगे 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। यानी कि दीज आर स्क्वायर रूट्स ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर ये देखिए 17 नंबर, स्टडी द पैटर्न इन द एडिशन गिवन बिलो एंड राइट द रूल्स ऑल्सो फिल इन द ब्लैंक्स बाई यूजिंग द रूल। यहाँ आपको, यहाँ एक खास पैटर्न बताया गया है, इसी को समझते हुए आगे आपको बढ़ना है। अगर हम 1 में 2 ऐड करते हैं तो ये होता है 3, और फिर अगर हम 2 में 3 से मल्टीप्लाई करके वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो भी आएगा 3। सेम उसी प्रोसेस पे अगर हम 1, 2 में अगर 3 ऐड कर दें एक्स्ट्रा तो यहाँ हम लेंगे 3 इंटू 4, और 3 इंटू 4 में वापस हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 6। इन्होंने एक खास पैटर्न बनाया अपना, एक नंबर का एक एडिशन बनाया है, एक फॉर्मूला बनाया है, उसी फॉर्मूले को हम आगे बढ़ाएंगे। अगर देखिए यहाँ पे 4 नंबर रखे गए थे तो यहाँ लिखा गया 4, और मल्टीप्लाई किया गया 5 से, और डिवाइड किया गया 2 से। अगर यहाँ 3 नंबर थे तो रखा गया 3, मल्टीप्लाई किया गया 4 से, यानी एक नंबर ज़्यादा करके मल्टीप्लाई किया जा रहा है और 2 से डिवाइड कर दिया जा रहा है। सेम उसी प्रोसेस पर अगर यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है तो यहाँ हम रखेंगे 5, मल्टीप्लाई करेंगे एक नंबर ज़्यादा यानी कि 6 से, और डिवाइड करेंगे 2 से। अगर ये 6, 5 जो 30, 30 में 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 15, और आप इनको भी प्लस करेंगे तो आएगा 15। सेम उसी प्रोसेस आप इसको बनाएंगे जैसे ये बना हुआ है। अब देखिए ये वाला 18 नंबर, स्टडी द पैटर्न इन द एडिशन ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स एंड फाइंड द रूल्स, यूज द रूल्स एक्सटेंड टू 3 मोर सम्स। आपको इस पैटर्न को स्टडी करना है और इसके हिसाब से ही आपको इसको आगे बढ़ाना है। जैसे यहाँ देखेंगे 1, 2, 3 लिखा गया था, 2 पे यहाँ पे दिखाया गया, जोड़ दिया गया 2 पे, तो 1, 2, 3 ऐड किया गया तो ये हो गया 6। फिर अब 2 से स्टार्ट करते हैं तो 2, 3, 4, तो ये हो गया 9। फिर 3 पे जोड़ दिया गया, यानी अब हम स्टार्ट करेंगे 3 से, 3, 4, 5, तो ये हो गया 12। अब हम स्टार्ट करेंगे 4 से, तो 4, 5, 6, ये हो गया 15। तो अब आगे हमें बनाना है, तो अब हम आगे स्टार्ट करेंगे 5 से, तो 5, 6, 7, तो ये हो जाएगा 18। फिर आगे स्टार्ट करेंगे 6 से, तो 6, 7, 8 हो जाएगा 21। फिर आगे स्टार्ट करेंगे 8 यहाँ 7 से, तो 7, 8, 9 हो जाएगा आपका 24। ये आपको कंप्लीट। यहाँ देखिए नेक्स्ट 19 नंबर, स्टडी द पैटर्न इन द सब्ट्रैक्शन गिवन बिलो, फाइंड द रूल एंड यूज इट टू एक्सटेंड टू 2 मोर सब्ट्रैक्शन। यानी यहाँ आप इसको पैटर्न को स्टडी करना है और इसको आगे बढ़ाना है। यहाँ 2 में 2 से मल्टीप्लाई करके 1 में 1 से मल्टीप्लाई करके इनको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 3। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया 1 से, 3 से 2 से, 4 से 3 से, 5 से 4 से, यानी हम यहाँ करेंगे 6 से, 5 से, 7 से और 6 से, और